आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो ये दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की, ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट, लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से, बार बार इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि ये अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है, इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी यह जानना चाहते हैं, देश भी यह जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं, यह जानने का हक हम सबको है, या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। आपको याद होगा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। ये डर हमारा जायज है, इस डर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी मांग है, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं, मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सबने अपने अपने स्तर पे, जिनके जमीर जिंदा हैं, उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब
मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए, ये आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से, उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सब के मन में जागी। बिल्कुल देना चाहिए, यही मांग हम बार बार करते आए हैं। हमने तो कहा था कि SBI सार्वजनिक क्यों नहीं करता, ये जो जानकारी होती है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, आपको हैरानी होगी कि वो जानकारी रूलिंग पार्टी को जरूर मिल जाती। तो बताइए क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और जब रूलिंग पार्टी को ये पता चलेगा कि संजीव ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है, तो क्या संजीव की जान माल सुरक्षित रह सकता है? क्या ये व्यापार फिर भी कर सकेगा? यही हमारी आपत्ति थी। आप सार्वजनिक करिए, पूरी जानकारी करिए कि 5200 करोड़ किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसके एवज में उन कंपनीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या उपकार किए, उन कंपनीज पर उनको क्या क्या लाभ पहुंचाए। दिस इज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्विड प्रो को, हाउ कैन 95% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स गो टू वन पॉलिटिकल पार्टी विच इज द रूलिंग पार्टी। देयरफॉर आवर क्वेश्चन इज, इन लियू ऑफ दैट मनी हैव यू सोल्ड, हैव यू गिवन कोल माइंस टू दोज कंपनीज, हैव यू अलाउड दोज कंपनीज टू ऑपरेट एयरपोर्ट्स, व्हाट इज द क्विड प्रो को, दिस इज आवर क्वेश्चन। पहले की व्यवस्था में कंपनियों को अपने 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% अंश वो राजनीतिक डोनेशंस में दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है, तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है, या हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि शेल कंपनीज के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है, और 7 सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। ना केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7-स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। ना केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। ये इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था कि एक सीमा थी, पहले मालूम रहता था कि किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से, खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता। नहीं नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी, प्लीज, वी ओ इट टू द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री टू प्लीज फोकस ऑन दिस। 95% माई डियर फ्रेंड गोज टू द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन द रिमेनिंग 5%, हाउ मच ऑफ इट केम टू द कांग्रेस पार्टी। वेल, वी हैव बीन डिमांडिंग दैट लेट दैट दिस स्कीम बी वेरी ट्रांसपेरेंट, लेट द पीपल ऑफ इंडिया नो, बिकॉज इट्स देयर राइट टू नो how much money has been given by whom to which political party. So if we had something to hide, I am sorry, we wouldn't have been the first and the only party to be demanding this transparency. And we again reiterate our demand that the SBI should make every single penny which came to any political party public. Kyunki is sarkar ki aadat hai. Is sarkar ne itna mahatvapurn kanoon मनी बिल के जरिए पिछले दरवाजे से इस देश में लेकर आई,
और कोई पहली बार नहीं होगा कि अध्यादेश लाएगी। हर बार इस सरकार की आदत है कि अध्यादेश के रास्ते से जाकर कुछ भी कर सकती है। इसलिए हम ये मांग भी अपनी सार्वजनिक कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाता हुआ भ्रष्टाचार का मामला है। उनके बगैर कुछ पत्ते भी नहीं हिलते इस शहर के, क्या इस देश के, और सुना आजकल विदेशों के भी। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार पे आज एक जो हम लोगों का लगातार एक स्टैंड रहा है उस पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है। आज के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी और रास्ते से, खिड़की, रोशनदान, पिछले दरवाजे से नहीं आने चाहिए इस देश में। और अभी तक की सारी जानकारी SBI को चुनाव आयोग के सामने रखनी चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए। देश के हर नागरिक को ये जानने का हक है। पहले कोई ऐसी कंपनी जो एक रुपये का प्रॉफिट दिखाए और 100 करोड़ दे दे, ये संभव नहीं हो सकता था। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? SBI और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है, जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अदानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह ही दिया सब कुछ, और जो हम पिछले 6 साल से मांग कर रहे थे आज उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। हमारी तमाम आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। तो हम तो आज प्रसन्नचित होकर फिर से अपनी मांग भी दोहरा रहे हैं कि सार्वजनिक किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कहा कि सार्वजनिक किया जाए सारे आंकड़े। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है, अब हम इंतजार कर रहे हैं सरकार क्या जवाब देती, क्या बोलती है, क्या स्टैंड लेती है, अध्यादेश लाती है या इस ऑर्डर को अक्षरशः फॉलो करती है, उसका पालन करती है। नहीं तो माई नेम इज़ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड सुना था आपने, माई नेम इज़ बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड भी अब आपने सुना। बिल्कुल, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी ये वन साइडेड थी, एक तरफा थी, एक अनहोली अलायंस बन चुका था शेल कंपनीज का, दोस्तों का और सत्तारूढ़ दल का। इस मिलीभगत में न आपको कुछ जानकारी मिलती थी एज अ वोटर, न हमें एज ऑपोजिशन लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती थी। जो उद्योग घराने हैं वो हमें देने से भी डरते थे कि उन्हें मालूम है सीधा शहंशाह को मालूम पड़ जाए, और शहंशाह को मालूम पड़ जाए तो फिर क्या होगा वो आप जानते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का अंत 2017 में ये शुरू हुआ, 18-19 में लागू हुआ, और अब जाकर फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द हुआ। लोकतंत्र को मजबूती मिली, आवश्यक है। एक वोटर का ये जानने का अधिकार है कि उसके देश के राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आ रहा है, उस पैसे का स्रोत क्या है, कितना पैसा दिया गया, क्यों दिया गया, यह जानने का हक है। और राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि लोगों को ये जानकारी दें। आई थिंक दिस इज समथिंग सो सीरियस दैट हेड्स शुड रोल। हु इज बिहाइंड दिस स्कीम विच कवर्स ऑल ट्रैक्स, विच एंश्योर्स a totally opaque system of political funding, the accountability must be fixed, the country should know who is behind this corruption, and we all know who is behind this corruption. ki alag alag samay par hamari sarkaron ne, hamari party ne koshish puri ki ki jitna ho sake pardarshi bane yeh system, yeh vyavastha, aur koi bhi vyavastha dheere dheere paripakv hoti hai, dheere dheere पूरी तरह से एक ऐसे स्तर पर पहुंचती जहां आप कह सकते हैं हाँ साहब ये व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल सकती है और बिल्कुल सही है। समय लगता है उसमें, लेकिन अचानक 2014 के बाद इस देश में एक ऐसी सरकार आई जो
किसी भी व्यवस्था की यात्रा में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया कि नहीं साहब अब तो सब कुछ पर्दे के पीछे होगा। मुझे याद है राज्यसभा में जब मनी बिल स्वर्गीय श्री अरुण जेटली उसको डिफेंड कर रहे थे तो द वे ही इंटेलेक्चुअलाइज्ड इट, उसका ऐसा बौद्धिकरण किया उन्होंने कि हमें बहुत सोचना पड़ा इसका कैसे जवाब दें। आज समझ में आता है कि उसका बौद्धिकरण किया ही इसीलिए गया था कि हम और आप ज्यादा सवाल ना उठा पाए, हम और आप इसको क्योंकि इतना बौद्धिकरण हो गया हम इसको स्वीकार कर लेंगे, अरे साहब इतना इंटेलिजेंटली बोला गया तो सही होगा। लेकिन नहीं, उसके पीछे एक अपारदर्शी योजना थी। अगर वो अपारदर्शी नहीं होती, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना आत्मविश्वास था तो उसको मनी बिल की हैसियत क्यों दी गई, का दर्जा क्यों दिया गया, उस रास्ते से क्यों लाया गया, क्यों नहीं उस पर चर्चा होने दी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। इट्स नेवर टू लेट टू डिफेंड एंड टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, इट्स नेवर टू लेट। अब मैंने उनको तो डांटते हुए बोल दिया, वो क्या कहेंगे फिर मुझे? अब क्या वो फार्मर अपना मंशा राजनीतिक लीनिंग्स नहीं बता सकता क्या? वो नहीं बोल सकता कि मैं इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता हूं? किसान बोल दे कि मुझे मोदी को हराना है तो वो देशद्रोही हो गया? कमाल है साहब, 2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें कांग्रेस को हराना है, तो हमने तो आपको देशद्रोही नहीं कहा था, उसमें क्या हो गया? किसान का हक नहीं है क्या? वो वोटर नहीं है क्या? मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है, देशप्रेमी है, देशभक्त है, मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही है। ये किस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं साहब? तो करना चाहते हैं लोग, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशियल ढंग से ऊंचा किया गया है बॉट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को ऊंचा रखा जाता है हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हम भी देख रहे हैं, कौन क्या क्या कितना कितना कर रहा है, वक्त आने दीजिए, कई लोग तिहाड़ में होंगे। सुन लीजिए ये ग्राफ कैसे ऊपर रखा जाता है, अब आप सुन लीजिए, क्योंकि उसमें आप सब भी भागीदार हैं, आपके जो मालिक हैं वो भी भागीदार हैं। कैसे उन पर दबाव होता है, उन पर किस तरह की व्यवस्था होती है, आपस में किस तरह की लेन देन होती है कि वो ग्राफ ऊपर रखा जाए? कौन है हिरेन जोशी? मैं फिर पूछता हूं, क्यों आप लोगों को SMS भेजते हैं वो? क्यों WhatsApp मैसेज आते हैं आपके एडिटर्स के पास हिरेन जोशी के? ये ग्राफ ऊपर ऐसे रखा जाता है। तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए तो क्या गलत है? ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा और आर्टिफिशियल ही रहेगा। क्यों? हेडलाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में, वहां आप कहती हैं कि ग्राफ ऊपर क्यों नहीं रहना चाहिए? असल में क्या है, बाहर आकर देखें ना मोदी जी, बुलाएं किसानों को अपने घर पे, या जाएं किसानों से मिलने, जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने। 1 घंटे में 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में, ये ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको। कांग्रेस पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसको गठबंधन बनाना आता है, गठबंधन चलाना आता है, गठबंधन करना आता है। अब नई पार्टियों से अगर मैं और आप ये उम्मीद रखें कि वो भी उतनी ही परिपक्व होंगी तो वो उनके प्रति आप गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। एक सेकेंड। तो धीरे धीरे हर पार्टी को ये सीखना होगा कि गठबंधन का धर्म क्या होता है, और मैं उसमें उनको गलत नहीं ठहराता। पैदा होते ही हम दौड़ने थोड़ी चल पड़ते हैं, धीरे धीरे चलना सीखते हैं, पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर उठते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। तो अगर वो चलते चलते गिर जाएं तो उनका हम अपना हाथ आगे बढ़ा के थाम के उनको उठाएंगे, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, अरे साहब आपने ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है, समय लगेगा, समझ बनने में समय लगता है। देखिए इंडिया अलायंस है अभी, अब कोई जो निकलना चाहता है, जैसे एक पार्टी निकली वो निकली, आज की तारीख में गठबंधन आपके सामने है, उसके सदस्य सब हैं। जब तक कोई अधिकृत घोषणा किसी एक तरफ से नहीं होती तब तक गठबंधन है। ये एक दिल का रिश्ता है, दिल का भी रिश्ता है और दर्द का भी रिश्ता है। जिन परिवार के सदस्यों ने, गांधी परिवार के सदस्यों ने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, उनका जो योगदान इस देश की रचना में है वो
रायबरेली के लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से इस परिवार के लोग उस काबिल बने कि इस देश की इतनी सेवा अपने खून से कर पाए। बिल्कुल बना रहेगा। अब देखिए, इसमें ये एक भावुक पत्र है, ये एक भावनाओं का रिश्ता है रायबरेली के लोगों का और इस परिवार का और कांग्रेस के एक सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो नेता है उनका। उसको आप अलग अलग कयास लगाएं, मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। अभी मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया था, अटल जी का एक भाषण, किसान आंदोलन उस जमाने में हमारे खिलाफ हुआ था और अटल जी ने बड़ा जोशीला भाषण दिया था कि मैं, हम लोग जरूरत पड़ी तो खुलकर इन किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। अटल जी देशद्रोही थे, तो भारतीय जनता पार्टी करे तो रासलीला, ये कैसे कब तक चलेगा? कम से कम आप लोग तो तुरंत, ये जो भी साहब हैं जिन्होंने ये कहा है, इनको आप लोग खुद ही पूछ लिया करिए कि साहब, जब आप अन्ना आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, जब विवेकानंद फाउंडेशन अन्ना आंदोलन को समर्थन कर रही थी, जब आरएसएस अन्ना आंदोलन के वक्त चूल्हे लगा लगा के खाना बांट रही थी बना बना के, हम सबके सामने हुआ था, आप भी रिपोर्टर थे, मैंने भी आपको देखा है वहां जी, तो फिर वो क्या था? देशद्रोह था। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रक्त का संचार आंदोलनों से होता है, विपक्ष से होता है, विरोध से होता है। ये छोटी छोटी विवाद, छोटे छोटे मन मुटाव परिवारों में भी होते हैं, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण आप इसको कर दें कि ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा और फिर लाल किले पे ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा समय दीजिए, सही समय पर आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। ये मुद्दा है, ये मुद्दा बन चुका है, ना केवल पूरे विपक्ष के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सिब्बल साहब, ये मुद्दा इस देश के नागरिकों के लिए बन चुका है। हम तो अभी यहाँ से निकल कर सोच रहे हैं रालेगांव को फोन करें अन्ना जी को, साहब कहाँ हैं, आ जाइए। ये मुद्दा सिविल सोसाइटी के लिए है, ये मुद्दा मीडिया के लिए है, ये मुद्दा एक एक वोटर के लिए है जिसको ये जानने का हक है कि किस पार्टी को, किस कंपनी ने कितना पैसा क्यों दिया। आप क्योंकि लेट आए इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, विच पार्टी गॉट हाउ मच मनी फ्रॉम विच कंपनी फॉर वॉट क्विड प्रो को, इट्स अ राइट ऑफ एवरी सिंगल वोटर टू नो, एंड वी आर ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द लॉयर्स हु फॉट टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री।